हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। अभी भी सही नहीं सुनो, सही करो। सो मृदुल उपाध्याय, भाग्य श्री स्टील पोस्ट, नितेश राजपूत, अमित अग्रवाल, कुसुम रमेंद्रा। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई, सारे के सारे बढ़िया हो, अच्छे हो? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसे हो। और भाई शेयर कीजिए सेशन को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल डिफेंस अड्डा। सो भाई, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है तो आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद और लग जाने चाहिए। बहुत अच्छे से आप मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना दीजिए, जिससे कि आपके एफकेट में जो मार्क्स हैं वो रीजनिंग में आउट ऑफ आउट आए। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो। तो आपके यदि एफकेट में मार्क्स आते हैं 210 या 240 तो वो आपके लिए बेहतर स्कोर होगा। सो प्रतीक मिश्रा, श्रीकांत दास, जयादेव बिस्वाल, अमित अग्रवाल, स्टील पुश, कुसुम, गुड आफ्टरनून। पीडीएफ कुसुम, पीडीएफ हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दी जाती है, आप उस पर एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, ठीक है? सॉरी। देखिए, आज हम बात करेंगे पेयर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के बारे में, हम डिस्कस करेंगे। सो उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने के लिए पहले आप ये बताइए, आपने क्लासिफिकेशन की तैयारी करी? वर्ड क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराई थी, आज बात करेंगे हम पेयर क्लासिफिकेशन की, ठीक है? रॉक्स का रूफ आजकल तो हम टीचर्स अड्डा पे भी पढ़ाते हैं मंडे एंड ट्यूजडे, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए टेक्निकल टीम, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लोगों को इधर शिफ्ट कर दिया जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लास अपने स्क्रीन पर, आपको ये बताना है इसमें अलग क्या होगा, तो बताइए। चलिए रोकसु, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यूपी टेट क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रीतेश जजेंद्रा, टेक्निकल लवर, देखो प्रीतेश ने आंसर दिया सबसे पहले, किसने आंसर दिया भाई? प्रीतेश ने, देन उसके बाद टेक्निकल लवर ने, ठीक है? अच्छा, लेकिन हमें तो सही आंसर लिखना है। सही आंसर किसने दिया? सबसे पहले सही आंसर दिया कुसुम ने, नितेश ने, और किसी ने अभी तक सही आंसर नहीं दिया है। मैम एक बार एसएसबी के बारे में भी बताइए, जयदेव बिस्वाल। एसएसबी के बारे में जब बताया जाएगा, जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, जब हम एसएससी एसएसबी के बारे में भी बता देंगे, ठीक है? बताइए, कुसुम और नितेश ने सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दिया, बाकी के किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। चलिए यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए क्राइम इज पनिशमेंट, जो क्राइम है उससे क्या मिलती है आपको? पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? एडवोकेसी मतलब क्या होता है बच्चे? एडवोकेसी मतलब होता है वकालत। जजमेंट से वकालत मिलती है क्या? जजमेंट होता है निर्णय। जजमेंट क्या होता है? निर्णय। जजमेंट से निर्णय है तो हमें क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी या क्या होगा? कोई ना कोई आपका जजमेंट पास होगा, तो ये तो हम कह नहीं सकते जजमेंट से वकालत होगी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा, वो आएगा हमारा बी ऑप्शन। एंटरप्राइज इज सक्सेस, एंटरप्राइज होता है कोई बिजनेस। यदि आपने कोई बिजनेस ओपन करा तो बिजनेस से क्या हुई आपको? सफलता मिली। क्या मिलती है? सफलता मिलती है। एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या होती है? आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रोकर्स रूफ, वो होगा हमारा बी आंसर, क्योंकि सेकेंड इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट। जो सेकेंड है वो रिजल्ट है किसका? फर्स्ट का रिजल्ट है। अमित अग्रवाल, रोकस रूप, कुसुम, सुधा, जिसका राइट आंसर होगा JD3 रॉय, वो होगा हमारा क्या? बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल भाग्यश्री राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का आंसर बताइए, 22 का आंसर क्या होगा? भाग्यश्री जेडी, अभी तो यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स है, अचानक से कहाँ गायब हो गए? कृष्णा झा, कुसुम, नितेश राजपूत, रक्षिता साहू, टेक्निकल लवर, दीक्षिता चौहान, प्रीतेश, वेरी गुड, रामेंद्रा, झजेंद्र, और कोई आंसर देगा? बी आंसर, वेरी गुड, बी आंसर, सुशांत, प्रगति, बी आंसर, वेरी गुड, दो बी आंसर दो। स्टील
स्टील से क्या बनते हैं बच्चे? जो स्टील के क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, क्या होते हैं? स्टील के क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। ब्रॉन्ज पीतल के क्या बनते हैं? पीतल से आपने देखा है घर पे मूर्तियां बनती है, स्टैचू बनते हैं। पीतल से क्या बनते हैं? प्रतिमा बनती है, स्टैचू बनते हैं, ठीक है। ड्यूरेलियम क्या होता है बच्चे? ड्यूरेलियम क्या होता है? एक टाइप का कॉपर का कुछ होता है जिससे हमारे क्या बनता है, एयरक्राफ्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? जिससे हमारे क्या बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनते हैं। ड्यूरेलियम से क्या बनता है बच्चा? एयरक्राफ्ट बनता है। ये भी क्या होता है, एक तरह का मेटल होता है, ठीक है। सॉरी, ये एक तरह का क्या होता है, अलॉय होता है। ये भी अलॉय होता है, ये भी अलॉय होता है हमारा, ठीक है। देन आयरन क्या होता है बच्चा? आयरन होता है हमारा मेटल। आयरन क्या होता है बच्चा? मेटल। लेकिन क्या है बच्चा, जो हमारा फर्स्ट है, यदि हम इसे कहें फर्स्ट इज द अलॉय यूज टू मेक द सेकेंड। फर्स्ट क्या है बच्चा? हमारा एलॉय है जो मदद करता है सेकेंड को बनाने के लिए। तो स्टील पुश जो आयरन है बच्चा, वो हमारा मेटल है, ना कि एलॉय है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जो कि सिर्फ दो आंसर ने आंसर दिया, रामेंद्रा एंड झजेंद्रा। बस सिर्फ दो बच्चों ने आंसर दिया और बाकी के ने सबने गलत आंसर दिया। प्रगति चौहान, सोमशांत कुसुम, प्रीतेश, स्टील पुश, जय जयदेव बिस्वाल। अलॉय होते हैं बिल्कुल स्टील, ब्रॉन्ज एंड ड्यूरेलियम, ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों अलॉय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक पेज टेबल ड्रॉल लूम इज क्लोथ एंड कार इज, बताइए क्या होगा, बताइए। थर्ड का सी स्वप्निल कुछ कह रहे हैं आंसर। टेक्निकल लवर ने आंसर दिया सबसे पहले, स्मृति ने आंसर दिया, देन उसके बाद अमित ने आंसर दिया, ठीक है। टेक्निकल स्मृति एंड अमित ने आंसर दिया लूम एंड क्लोथ। क्यों? देखिए क्यों आएगा हमारा, क्योंकि सेकेंड इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि जो बुक है उसके अंदर क्या आते हैं, पेज। टेबल के अंदर क्या आते हैं, ड्रॉर। कार के अंदर में क्या आता है, व्हील। बट लेकिन लूम होता है, लूम का मतलब क्या होता है बच्चा, करघा। करघा होता है जो कोई, जो करघा और क्लोथ है वो किसी का भी कोई भी पार्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, कुसुम, स्टील, काजल, यश, रमेंद्र, सुधा, तेजेंद्र, रोकड़, स्वरूप, स्वप्निल। स्वप्निल आप क्या कह रहे हैं, कुसुम, नारायण सिंह तोमर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। कृष्णा, रिया और स्मृति ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर अमित अग्रवाल ने, देन जाबेब ने, टेक्निकल लवर ने, प्रगति चौहान ने, प्रशांत, नितेश राजपूत ने आंसर दिया बाद में। तो बच्चा जो स्कैल्पल मतलब होता है छुरी, जो छुरी होती है बच्चा वो किसका टूल होता है, सर्जन का टूल होता है। किसका? सर्जन का टूल होता है। तो बच्चा ऑल का मतलब क्या होता है, सुआ। सुआ किसका टोल होता है, हमारा टूल होता है, मोची का टूल होता है। किसका? मोची का टूल होता है। तो उसी प्रकार जो नाइफ है, जो चाकू है, वो किसका टूल होता है, शेफ का टूल होता है बच्चा। लेकिन जो सीजल होता है, सीजल का मतलब क्या होता है, छेनी। छेनी सोल्जर का टूल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे ये बोलेंगे, फर्स्ट इज अ टूल यूज्ड बाय सेकंड। फर्स्ट इज अ टूल Used by second रोकर स्रूफ नेट फ्लो एम एम, इसलिए बाद में आंसर आता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, सन इज स्टार, रॉकेट इज स्पेस, मून इज सैटेलाइट, जुपिटर इज प्लेनेट, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बता दोगे भाई। काजल रोकर स्रूफ, काजल रिया महतो, कृष्णा जा, स्मृति। भाई क्वेश्चन का आंसर बताना आपको, फिफ्थ का आंसर मृदुल ने आंसर दिया, स्मृति ने आंसर दिया एंड नितेश ने आंसर दिया सी, बट गलत है। मृदुल, स्मृति एंड तेजिंदर ने आंसर दिया, सुशांत ने आंसर दिया। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा रॉकेट एंड स्पेस, क्योंकि आपको पता है जो सन होता है वो क्या होता है, स्टार की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या है, सेकेंड डिनोट्स द सेकेंड, सेकेंड डिनोट्स द क्लास टू विच द फर्स्ट बिलोंग, टू विच द फर्स्ट बिलोंग।
जो फर्स्ट बिलोंग, जो सेकंड है बच्चा, वो क्लास डिनोट करता है जहां पे हमारा पहला रहता है। मून क्या होता है? सैटेलाइट होता है। जुपिटर क्या होता है? प्लेनेट होता है। लेकिन बच्चा रॉकेट है वो स्पेस में जाता है, रॉकेट स्पेस नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। जस्ट अ गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट, आपकी जेब में, आपके पॉकेट में क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। यही आपके डिफेंस अड्डा का क्या है, सपना है। नितेश, निधि दुबे, निधि, नितेश, कुसुम, कुसुम ने आंसर करा दिया, प्रगति, नितेश, प्रगति, निधि, नितेश, प्रगति ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सी आंसर देखिए, ब्रूम झाड़ू होती है, ठीक है। स्वीप मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना। ब्रूम का काम क्या है? झाड़ू लगाना। स्पून का काम क्या होता है? फीट, खाना खिलाते हैं। स्पून क्या करता है? फीट करता है। सोप का काम क्या होता है? बाथ नहाता है। तो बच्चे जो नेट और क्रैक है ये क्या है, इन सब से बिल्कुल अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाग्यश्री, स्टील, पूछ, राघवेंद्र, रामेंद्र, सुनील, कोम, भाग्यश्री, बिपिन, काजल, आरता मेहर, आरता मेहर यहाँ भी। तो सी ऑप्शन क्या होगा? राघवेंद्र बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच इज एंटीना, लिजार्ड इज फ्लागेला, हाइड्रा इज टेंटिकल्स, प्लास्मोडियम इज सीलिया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अलग है, देखिए इसका जो आंसर बनेगा बच्चा वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन क्या होगा। स्मृति ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सुशांत ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, देन उसके बाद कृष्णा झा ने बिल्कुल आंसर राइट दिया, सुनील। एफकेट के एग्जाम में, एफकेट के एग्जाम में जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी में नहीं आते। शुक्र मनाइए, जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। हम सिर्फ अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ा रहे हैं। हेलो विक्रम, तो इतना सड़ा मुंह भर लेके मेरी क्लास में क्यों आया? हंसते हुए आया करो, चीयर्स होके आया करो अपने, हमारी क्लास में खुशी से आया करो, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आता है ना। बिल्कुल विक्रम आया टेढ़ा मुंह बनाते हुए, जैसे पता नहीं इन्हीं की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख हो। देखिए, सेकेंड इज द ऑर्गन फॉर मूवमेंट फॉर द फर्स्ट, फॉर द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड हमारा ऑर्गन है किसका? फर्स्ट का हमारा क्या है? ऑर्गन है। लेकिन जो फ्लैगेला है बच्चा वो लिजार्ड का कोई भी ऑर्गन नहीं है, अंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। देखो भाई, जब हम क्लास में आए तो स्वागत कैसे होना चाहिए? हंसते हुए होना चाहिए। अब हम आते हैं कभी भी ऐसे मुंह बनाते हैं, करिए भाई क्लास को अटेंड कीजिए भाई, ये क्वेश्चन है बताइए, नहीं, बिल्कुल एक्टिव होके और बिल्कुल खुशी खुशी हम आपको पढ़ाते हैं। तो आपको भी हमेशा हंसते हुए क्लास को अटेंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, फर्स्ट इज द डिजीज, फर्स्ट इज द डिजीज कॉज्ड बाय द सेकेंड, कॉज्ड बाय द सेकेंड। देखो भाई, जो वायरस है वो किससे होता है? पोलियो से होता है। बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया होता है। फंगी से क्या होता है? यीस्ट होते हैं, खमीर उठता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन। अरे यार, था बी आएगा, मैं चाचू बन गया। विक्रम को भी बधाइयां दे दो, चाचू बन गया, बधाई हो भाई विक्रम, ठीक है। रमेंद्र, सुधा, पवन, हिमांशु, आरता, मेहर, कुंदन। अब विक्रम की तो अभी शादी होने वाली थी भाई, विक्रम तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, क्या हुआ शादी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पाइरोहिलोमीटर रेडिएशन, क्लेरोमीटर इज हीट, प्लेनीमीटर इज एरिया, एंड बैरोमीटर इज ह्यूमिडिटी। नारायण सिंह तोमर, कृष्णा झा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड। प्रीतेश ने आंसर दिया, लड़की पसंद नहीं, लड़की ने तुम्हें पसंद नहीं किया। रितेश एंड रिया ने आंसर दिया, कृष्णा, प्रीतेश, नितेश एंड रिया ने बिल्कुल आंसर दिया नाइन्थ का डी, क्योंकि क्या है बच्चा इसमें क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट है, यूज द मेजर बाय सेकंड, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। किसको? किसके मेजर के लिए? सेकंड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बच्चे ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए बैरोमीटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो आरता इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइन्थ का डी। सुशांत, मृदुल, सॉरी मैम आई एम गोइंग, नेट इज स्लो। मृदुल, आज बहुत लोगों का नेट स्लो चल रहा है, क्योंकि आज मैं जब सुबह सुबह एसएससी अड्डा पे क्लास ले रही थी तो उसमें भी स्टूडेंट बहुत कम थे।
नितिन हैप्पी बर्थडे बच्चा, मेरा बर्थडे नहीं है, यदि आपका बर्थडे है तो नितिन हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्ता इज मौर्यन, बाबर इज मुगल, कनिष्क इज क्वेश्चन, महावीरा इज जैनिज्म, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आयुषी वेरी गुड, दीक्षा का आंसर गलत, दीक्षिता का बिल्कुल राइट आंसर, एंड देन प्रतीक का बिल्कुल राइट आंसर भाई। आयुषी, दीक्षिता एंड प्रतीक ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, हमारा डी आंसर, क्योंकि क्या है भाई, फाउंडर है, क्या है बच्चा, फाउंडर है, ये हमारी क्या है, डायनेस्टी है, क्या है, डायनेस्टी है, और ये क्या है बच्चा, हमारे फाउंडर है। चंद्रगुप्त ने जो अपनी डायनेस्टी फाउंड की थी वो कौन थे, मौर्यन डायनेस्टी, बार्बर ने मुगल, कनिष्का ने भाई कुशन ही की थी, आप सर्च कर लेना कुशन का फाउंडर कौन था, तो कुशन का फाउंडर कनिष्का ही आएगा। और भाई महावीर ने जैनिज्म धर्म की स्थापना नहीं करी थी, वो 11th करते, तो महावीर का जैन ये नहीं आएगा जैनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, नितिन, आर्ता, प्रितेश, कमर, राघवेंद्र, सुधा, जजेंद्र, निधि, बिल्कुल राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मी इज जर्नल इज टीम इज कैप्टन, क्राचे इज इन्फेंट, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। प्रितेश कृष्णा झा, प्रितेश कृष्णा झा एंड स्मृति, कृष्णा झा एंड स्मृति ने आंसर दिया सी आंसर, तो देखते हैं भाई सी है या नहीं है। देखो भाई आर्मी का हेड कौन होता है, जनरल होता है, टीम का हेड कौन होता है भाई, कैप्टन होता है, मीटिंग का हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है, जो कराची होता है, इसका मतलब बताओ बताओ क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चा शिशु गृह, शिशु गृह का कौन हेड होगा, इन्फेंट होगा, शिशु होगा भाई, शिशु पहले अपना तो अपनी तो रक्षा कर ले, जभी तो वो बाकी के बच्चों की रक्षा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, क्योंकि आर्मी का हेड जनरल, टीम का हेड कैप्टन, मीटिंग का हेड इज द चेयरमैन, तो शिशु गृह का हेड इन्फेंट नहीं होगा, नितेश राजपूत, ठीक है नितेश, क्लियर है। निधि जांगीर, विक्रम, मैम लड़की पिक में अच्छी नहीं, अच्छा बताओ मैं विक्रम नलायक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरी क्लास में सबसे ज्यादा नलायक किसी से मिलना है तो वो आप विक्रम से मिलिए, ठीक है। चलिए विक्रम दो, तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, पर ये मत कहना मैम ने ब्लॉक करा दिया। रिया गोविंद एंड स्मृति ने आंसर दिया, रिया गोविंद एंड स्मृति ने आंसर दिया बी आंसर, तो देखिए स्मृति सॉरी शर्ट क्या होता है बच्चे, ड्रेस होता है, मैंगो क्या होता है, फ्रूट होता है, टेबल क्या होता है, फर्नीचर होता है, बॉय बच्चे गर्ल होता है, नहीं बच्चा बॉय हमारा गर्ल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पीकू, जजेंद्र, प्रतीक, नितिन, आता, मैं, सुशांत, प्रशांत, बिल्कुल राइट आंसर आएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बताइए 33 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नितिन शर्मा बताइए, नितिन शर्मा बताइए, हिमांशु, कुसुम, आता, मेहर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तेजिंदर, कुंदन, दीक्षिता, प्रशांत, स्मृति, भाग्यश्री, गोविंद, नीतीश, कुसुम, नितिन वर्मा, टेक्निकल लवर, आयुषी, श्रीवास्तव, रिया महातो, रिया चेक करते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा भाई। यश, निधि, जांगीर सी आंसर, आर्तम मेहर सी आंसर, भाग्यश्री इज अ सी भाई, चेक करें। चलो भाई अब चेक करने पे आते हैं, क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्लास में क्या होते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँ तो क्लास में क्या हो, आप सारे के सारे स्टूडेंट है, सी नेम गलती से टाइप हो गया सी। अच्छा सेंटेंस में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, एक सेंटेंस किससे मिलके बनता है, वर्ड से मिलके बनता है, शब्दों से मिलके बनता है, जो घंटे हैं वो किससे मिलके बनते हैं, मिनट से मिलके, एक मिनट, ठीक है 60 मिनट कितना बनाएगा, एक घंटा। यदि मैं कहूँ आई एम सोनल अग्रवाल, माई नेम इज सोनल अग्रवाल, ऐसे लिख लो, या माई सेल्फ सोनल अग्रवाल, ठीक है माई सेल्फ सोनल अग्रवाल, यदि मैं ऐसे लिखूं तो ये वर्ड्स हैं माई सेल्फ सोनल और अग्रवाल, ये क्या है वर्ड्स है, यदि इन वर्ड्स को जोड़ दिया तो ये क्या बना दिया सेंटेंस। अब क्लास में स्टूडेंट है, नितिन है, रिया है, भाग्यश्री है, राघवेंद्र है, कुसुम है, मोहित सैनी है, ये सारे क्या बना रहे, क्लास को बना रहे, क्या बना रहे, क्लास को बना रहे, लेकिन बच्चा जो फॉरेस्ट है, जो ट्री है, वो क्या बना रहा है, फॉरेस्ट बना रहा है, क्या ये आपका सही आंसर होगा। जो फॉरेस्ट है बच्चा वो किससे मिलता है,
ट्री से बनता है, किससे मिलता है, ट्री से बनता है। यदि इसमें ये होता हमारा विक्रम, बिल्कुल विक्रम आप भी हैं, कि जो फॉरेस्ट है वो हमारा ट्री से बनता है, तो इसका जो राइट रामेंद्रा है नॉट अ राघवेंद्रा। ओके रामेंद्रा, एक्चुअली में जब हम नाम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी तो हमें ये नहीं पता चल रहा हम जी लगा रहे या एम लगा रहे। ओके रामेंद्रा। नितिन शर्मा, ट्री से फॉरेस्ट नहीं होता बच्चा। हाँ बिल्कुल, ट्री से फॉरेस्ट बनता है, जाके फॉरेस्ट से हमारे ट्री बनता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा नारायण सिंह तोमर। बताइए रामेंद्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। पवन कांबले, श्रीकांत, गोविंद, कृष्णा झा, प्रितेश, स्मृति, दीक्षित। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए भाई, स्मृति, नितेश, स्मृति, समीर, सेम, रोशन, दीक्षिता, पीकू, रिक्षिता, प्रगति, स्मृति, वंदना, पीकू। चलिए जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि देखिए कैसे, अब बताओ क्यों होगा। देखिए फर्स्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेकेंड, फर्स्ट इज द प्रिपेयर्ड बाय द सेकेंड नितिन शर्मा, क्योंकि जो न्यूज पेपर बच्चा वो एडिटर बनाता है, फिल्म बच्चा डायरेक्टर बनाता है, बुक बच्चा ऑथर लिखता है, जो स्टैंप है बच्चा वो स्टैंप मतलब ये क्या होता है जो स्टैंप लगाने वाला होता है उसे कहते हैं हम फिलेटेलिस्ट, लेकिन इसको जो स्टैंप ये नहीं बनाता, तो इसका जो राइट आंसर आएगा रिया महतो, कलेक्टर ऑफ स्टैंप इज, बिल्कुल जो कलेक्ट करता है स्टैंप्स को उसे कहते हैं हम इसे, लेकिन बच्चा ये स्टैंप्स नहीं बनाता, तो इसका जो राइट आंसर आएगा रिया, वेरी गुड, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गोविंद, स्मृति एंड कृष्णा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, कुसुम, रिया महतो ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, भाग्यश्री ने गलत आंसर दिया, कौंदन, स्मृति, दीक्षा, नितिन, मधुरिजिया, मधुरिजिया क्लास में लेट हो मैम, आप तिब्बत से हो क्या। सुमन पाठक, मैं तिब्बत से नहीं हूँ वैसे, मैं हरियाणा से हूँ, बिलोंग करती हूँ वैसे। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया कि आपको मेरे को पूछने की जरूरत पड़ेगी कि मैं तिब्बत से हूँ। मैं कहाँ से भी, मैं कहीं से भी हूँ, मैं चाहे तिब्बत से हूँ चाहे मैं नेपाल से हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी टीचर हूँ। कृष्णा झा को हंसी आ रही है। लैंग्वेज भी मेरी लैंग्वेज तो नॉर्मल ही है, हरियाणवी लैंग्वेज में बोल देती हूँ कभी कभार तो मैं। चलिए बच्चा, इसमें क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट इज द इंसेक्ट, फर्स्ट इज द इंसेक्ट विच डैमेजेस द सेकेंड। यश पोपट हंस रहे हैं, अच्छा पोपट खेल गए मैम, भाई रीजनिंग टीचर हूँ, खेलेंगे तो बिल्कुल सही है ना। हरियाणवी बोलो, गोविंद हरियाणवी, ऐसे तो आते नहीं भाई, हरियाणवी देखने हो तो भी एसएससी में आए, और एसएससी में बच्चे बहुत दुखी करते हैं मेरे को, तो जब हमारे मुंह से हरियाणवी निकलती है। अच्छा पीकू, आप भी हरियाणा से हो। अभी विक्रम तुम्हारा ये कमेंट डिलीट होगा, फिर ये मत कहना कि मेरे को ब्लॉक करा दिया, टाइम आउट करा दिया। देखो एफिड क्या है बच्चे, एफिड हमारा इंसेक्ट है, वो हमारा पेपर को डैमेज नहीं करता, वो हमारे प्लांट को डैमेज करता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए। मोथ भी हमारे टाइप का क्या है, इंसेक्ट है, जो कि वूल को हमारा क्या करता है, डैमेज करता है। टर्माइट भी एक टाइप से हमारा इंसेक्ट है, जो कि वुड को खराब करता है। लोकस्ट भी हमारा एक टाइप का क्या इंसेक्ट है, जो कि प्लांट को हमारा क्या करता है, खराब करता है। तो विक्रम कुसुम, यश पोपट, मोहित सैनी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कृष्णा झा, मैंने पहले ए ही बोला था, फिर चेंज क्यों कर दिया भाई, यदि आपने ए ही बोला था तो। ओके नितिन, स्मृति, रिया, अरे गोविंद कैसे गलत आंसर दे दिया, अरे एकदम बहुत तेज आंसर से है, मैं किसी के आंसर भी नहीं पढ़ पाई। प्रतीक, विक्रम, पावर, भिक्षा, यश, नितिन शर्मा, रविंद्र, मधुरिजिया, प्रगति, रवीना, नितिन, नारायण सिंह तोमर, विक्रम, अक्षय, हिमांशु, कुसुम, भाग्यश्री, विक्रम, दीक्षा, अरे विक्रम बस भी करो, बार बार तुम्हारा नाम आ रहा है, कुंदन कुमार, सुधा, समीर, सेम, बीज, कंफर्म, बी कैसे कंफर्म होगा। अच्छा बताइए देखिए, हार्ड इज सॉफ्ट इज अ एंटोनियम्स, हार्ड क्या होता है, हार्ड, सॉफ्ट क्या होता है, मुलायम, लॉन्ग, लॉन्ग का क्या होता है बच्चा, शॉर्ट होता है ना कि हाई होता है, लॉन्ग का जो एंटोनियम्स होता है वो शॉर्ट होता है, सोर का मतलब क्या होता है, खट्टा, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा,
पॉइंटेड का मतलब क्या होता है? नुकीला। ब्लंट का मतलब क्या होता है बच्चा? नुकीला नहीं है, खुरदुरा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। पॉइंटेड और ब्लंट भी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, ना कि डी आएगा। नितेश राजपूत, प्रशांत, शिवम, कश्यप, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? रिया महतो कह रही है ए। ओके अच्छा देखो मैं आप बताती हूँ, स्क्रब का मतलब क्या होता है बच्चा? मलना, ठीक है। पॉलिश का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से उसे अच्छे से पॉलिश कर देना, ठीक है। पॉलिश करना मतलब उसे बहुत अच्छे से पॉलिश कर देना, ठीक है। प्रिक का मतलब होता है बच्चा चुभना, ठीक है। देन स्टेप का मतलब क्या होता है भाई? स्टेप का क्या मतलब होता है बच्चा? जो स्टेप का मतलब होता है उसमें होता है घोप देना, ठीक है। देख चाकू घोप दिया। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बच्चा? गीला। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? मूसलाधार बारिश, ठीक है। अरे क्या बात है रिया, घोप देना। मैम ये वर्ड्स कहाँ से करें? मोहित जी तो आपको बोल को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रीतेश, रिया, कृष्णा, झाम, अक्षय। देन उसके बाद बच्चा फ्लरी का मतलब क्या होता है? बर्फ, ओले पड़ना, या आप कह सकते हो ओले पड़ना। और ब्लिजार्ड का मतलब होता है बच्चा बर्फ का तूफान। क्या होता है बच्चा? बर्फ का तूफान। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? कैसे होगी वो कैप स्ट्रॉन्ग? पढ़ने से होगा भाई, हिंदू पढ़ो, ठीक है। हिंदू के साथ साथ क्या पढ़ोगे बताओ? बताओ भाई अब इसका आंसर क्या होगा? अब तो मैंने आपको हिंदी भी बता दी। सुशांत जी कह रहे हैं डी। ए आंसर क्यों होगा और डी क्यों होगा? चलो मुझे एक्सप्लेन करो मैम, ऐसी से वर्ड की पीडीएफ दे दो। के कुसुम बच्चा पीडीएफ है वो आपको उसमें मिल जाती है, क्या कहते हैं उसमें, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मिल जाती है। मीनिंग बता दिए, सारा दिन हिंदू पढ़ेंगे। मोहसिन सैनी, सारा दिन हिंदू पढ़ेंगे। कितने का सारे दिन हिंदू पढ़ने के लिए? सारे दिन मत पढ़ो, टाइम निकालो 1 घंटा, मॉर्निंग में 1 घंटा काफी है हिंदू पढ़ने के लिए। बिल्कुल एक काम ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो देखो जैसे ओले पड़े तो क्या बर्फ का तूफान आ गया, गीला हुआ तो क्या होगा मूसलाधार बारिश आ गई, चुभना हुआ तो क्या हो गया चाकू घोप दे, चुभना इस चुभना, घोप देना इस घोपना। लेकिन बच्चा मलना और पॉलिश क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हाई इंटेंसिटी दिखा रहा हो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन हिमांशु, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉल्डर इज प्रोटीन, ठीक है। सो क्यूरी इज रेडियम, बेकरल इज रेडियो एक्टिव, आइंस्टाइन इज टेलीविजन। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समीर से, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कृष्णा राजकुमार, देखो ये समझ में इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि जो ये हमारी वर्डिंग है वो क्या है भाई? हमारी क्या है भाई? अंग्रेजी चल रही है। यदि ये अभी हिंदी में होता तो आपको सब समझ में आ रहा था। देखो भाई इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी आंसर। क्या है? फर्स्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड बाय द सेकेंड, हु डिस्कवर्ड द सेकेंड। प्रोटीन्स को डिस्कवर करा मल्डर ने, रेडियम को डिस्कवर करा क्यूरी, रेडियो एक्टिव को डिस्कवर करा बेकरेल ने, लेकिन टेलीविजन को आइंस्टाइन ने डिस्कवर नहीं करा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? भाग्यश्री, गोविंद, प्रजापति, समी से। अब मैम जाएंगी गोविंद, कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं नहीं जा रही हूँ। इसी टाइप के असिस्टेंट वोमेंडेंट में आया था। ओके सुमन, निधि बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम को भगाते रह करो तुम सारे के सारे कि मैम जाएंगी। कृष्णा झा, कृष्ण बताइए भाई क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? भाई देखो जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो पूछ लिया करो, ठीक है। स्मृति, नितिन, झजेंद्र, नितिन शर्मा, प्रगति, 19 का ए। तो भाई ए क्यों आएगा बताओ? बच्चा जो सोल्डर है वो क्या होता है हमारा? सोल्डर इज एन अलॉय। ये क्या है बच्चा? हमारा अलॉय है, ठीक है।
और नहीं है इसलिए। अच्छा बिल्कुल सही कहा, ठीक है। बट 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 ठीक है बच्चा। और ये क्या है हमारा और है, ये भी क्या है बच्चा हमारा और है, ये भी क्या है हमारा बच्चा और है, लेकिन ये क्या हमारा एलॉय है और नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा ए ऑप्शन, सुदर्शन नितिन शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्या हुआ 20 क्वेश्चन का है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑनोमेटोलॉजी, निडोलॉजी, फिजिकोलॉजी, कोनोकोलॉजी, बताइए। बट 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 सोनू पंडित, बट मतलब ये होता है बच्चा BUT, ठीक है। हर एक चीज को एक पॉजिटिव वे में भी लिया करो, नलायक कहीं के। देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्यों आएगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, बताइए भाई। निधि कुमारी, निधि कुमारी दानेश्वर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो यदि मैं बात करूं बच्चा, जो ओनोमेटोलॉजी है वो किसकी स्टडी करता है, नेम्स की। जो बच्चा निडोलॉजी है वो किसकी स्टडी करता है, नेस्ट की। जो हमारा भाई भाई फिजिकोलॉजी है वो किसकी स्टडी करता है, एलेगे की। लेकिन जो पता कोनोकोलॉजी है वो शेल की स्टडी नहीं करता, नितिन प्रतीक, नितिन विकास राजपूत। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। समीर सेम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समीर सेम, यहाँ पे जो डेली क्लासेस का टाइमिंग होता है वो होता है 12 बजे, ठीक है। SSC पे होता है हमारा 1 बजे, 1 PM भाई, अब तो मेरी मुझे तो भाई। और हमारा इंजीनियर पे होगा 9 बजे, ठीक है समीर, क्लियर है। और टीचर्स पे भी सुनना है, टीचर्स पे भी होती है हमारी क्लासेस, सारी चीजें हम ही दिखते हैं हम लोग रीजनिंग पढ़ाते हुए। चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के अपोजिट, वाइस और पुलिस पुलिस एक दूसरे के अपोजिट किया जाता है। मन बुद्धि होता है, वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है एक दूसरे का। एंड वर्चुअल एंड वाइस क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट बच्चा। लेकिन जो सिड्यूस और जो अट्रैक्ट है वो बच्चा एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एंटोनियम्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। बाकी के तीनों हमारे क्या है भाई, एक दूसरे के एंटोनियम्स है। और ध्यान रखना यदि SSB दे रहे हो समीर या कोई भी, तो आपको फोकस करना है किस पे, SSB में आपको फोकस करनी है चीजें अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने ग्रुप डिस्कशन GD पे फोकस करना है, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉपिक उसके बारे में पढ़ना है, ये सब आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर इज फ्लैश, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए भाई, ए, क्योंकि बच्चा जो डियर है वो मांस नहीं खाता हमारा, वो हमारा नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ए ऑप्शन। जो क्रेन है बच्चा वो फिश को खाता है, जो क्रो है बच्चा वो किसको खाता है, सड़े हुए खाने को खाता है, और जो मोंगूज है बच्चा वो किसको खाता है, सांप को खाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैन इज ब्लेड, क्लॉक इज अलार्म, बाइसाइकिल इज पेडल, लैम्प इज बल्ब, बताइए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नितेश राजपूत, रिया महातो, कुसुम, भाग्यश्री, 24th का सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्योंकि जब भी फैन में ब्लेड नहीं होंगे तुम्हारा फैन चलेगा नहीं, लैंप में यदि बच्चा बल्ब नहीं होगा तो बल्ब लैंप चलेगा नहीं, बाइसाइकिल में पैदल नहीं होगा तो पैदल हमारी बाइसाइकिल चलेगी नहीं, बाइसाइकिल को ऐसे घसीट तो है कोई ना, लेकिन जो पैदल होनी चाहिए ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा क्लॉक में हमारा अलार्म नहीं, यदि हमारी सुइयां नहीं होगी, हमारे क्या होंगे, हैंड नहीं होंगे, आर हैंड, मिनट हैंड, तो हमारी क्लॉक मूव नहीं करेगी। तो सुशांत, नितिन, दानेश्वर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिया मा तो 25th का भी, वेरी गुड बच्चा। जो चाइना की जो कैपिटल होती है वो मंगोलिया नहीं होती है, बीजिंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, क्योंकि ताइवान की कैपिटल टाइपाई, ईरान की कैपिटल तेहराम, जापान की कैपिटल इज टोक्यो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता इज पारसी, तोरा इज ज्यू, त्रिपिटिका इज बुद्धिस्ट, एंड टेम्पल इज हिंदू, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिया ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, एंड
गोविंद ने राइट आंसर दिया, भाग्यश्री, वेरी गुड भाग्यश्री, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नाम लिखते हुए। रिया, गोविंद एंड भाग्यश्री ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। क्यों? अवेस्ता ये एक रिलीजियस बुक है, किसकी? पारसी की। तोरा एक रिलीजियस बुक है, वो है जू की। त्रिपिटिका एक रिलीजियस बुक है, वो है बुद्धिस्ट की, हिंदू की। जो रिलीजियस बुक है वो है हमारी भगवत गीता, टेम्पल में तो जाके पूजा करते हैं, लेकिन जो इसका है वो क्या होता है, हमारी भगवत गीता क्या होगी, इसकी रिलीजियस बुक होगी हिंदू की। तो भाग्यश्री वेरी गुड। कुसुम, झजेंद्र, समीर, सेम, पूजा, कुसुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इज कार, इंक पेन, गार्बेज डस्टबिन, लेडीज पेंसिल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, देखो, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, इंक भी बिना पेन नहीं चल सकता, पेंसिल में यदि लेड नहीं होगी वो नहीं चल सकती, तो गार्बेज और डस्टबिन क्या है बच्चा, गार्बेज के बिना डस्टबिन नहीं चल सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, स्मृति स्टील, निधि, पूजा यादव, नितिन शर्मा, हिमांशु, स्टील, पूछ, निधि दुबे, सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पेलिकन इज रेप्टाइल, जी एन गुनू इज एंटीलोप, एल्क इज डियर, शार्क इज फिश, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सी आंसर क्यों आएगा भाई, सी बताइए इसका आंसर सी क्यों आएगा। विकास राजपूत, मधुर रिजिया, पेकू, बताइए भाई इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इज अ टाइप ऑफ सेकंड, फर्स्ट इज अ टाइप ऑफ सेकंड। बच्चे गुनु है वो एंटीलॉप का पार्ट है, ईएल की है वो डियर का पार्ट है, जो शार्क है बच्चों वो फिश में आते हैं, लेकिन जो पेलिकन है बच्चों वो रेप्टाइल का पार्ट नहीं है। तो इसी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। होनेस्ट इज चीट, गुड इज नाइस, एस्ट्रेजुएंट इज थ्रिफ्टी, एंड सेल्डम इज ऑफ्टन, बताइए। देखो होनेस्ट एंड चीट एक दूसरे के एंटोनियम्स, ठीक है, गुड और नाइस एक दूसरे के सिनोनियम्स, एक्सट्रेजेंट एंड थ्रिफ्टी एक दूसरे के एंटोनियम, सेल्डन इज ऑफ्टन एक दूसरे के एंटोनियम्स, लेकिन जो बच्चा हमारा बी ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स है, तो बाकी के सारे एक दूसरे के एंटोनियम्स है, लेकिन गुड और नाइस एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विकास राजपूत, रमेंद्र, कुंदन, झजेंद्र, बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मुलाकात होगी अब सीधा सीधा हमारी मंडे को आपकी क्लास में। तो इतने जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।